अदलिया बाबत आईनी तरमीम जो पैकेज अज पेश कर पार्लियामेंट पेश कर जो इम्कान ज़रीन मूजिब आईनी तरमीम जरिए आईनी अदालत कायम कई वी आईन की आर्टिकल 63A में तरमीम कई वी जरिए मूजिब अदलिया बाबत आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजन जो मुलाजमती मुदो 65 साल में वधाए 68 साल कर हाईकोर्ट के जजन जो मुलाजमती मुदो 62 साल में वधाए कर 65 साल कर तजवीज़ शामिल जज की मुकर्री जो तरीक़ेकार भी तब्दील कर इम्कान वफाकी काबीना के इजलास का पे कौमी असेंबली जो इजलास वक्त के तब्दील कर रो इजलास हाँ शाम 4 बजे काबीना जो इजलास 3 बजे आईनी तरमीम की मुसवदे की मंजूरी दिनी वी सैनियर जो इजलास शाम 7 बजे खुर्शीद शाह सदारत हेठ खसूसी कमेटी जो इजलास है। नायब वजीर आजम परदेही वजीर इसहाक दारजी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल इम्कानी आईनी तरमीमन से नंबर गेम लाए ख्याल दे वट जरिए मूजिब इसहाक दार आजम नजीर तारड़ स्पीकर की चैम्बर में मुशावरत का बिलावल भुट्टो वट पौता मुलाकात में खुर्शीद शाह नवीद कमर भी मौजूद हुआ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजल रहमान से गुजरल रात थियल मुलाकात से इतिहादी अगवाणन के एतमाद में वरतो। तहरीक इंसाफ सैनेट कौमी असेंबली में पांजे असेंबली मेंबरन जा वोट रोकण बाबत दस्तावेज जमा कराए वरता पीटीआई तरफा दस्तावेज आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जमा कराई वही दस्तावेजन मुताबिक तहरीक इंसाफ जो को भी मेंबर आईनी तरमीम के हक में वोट न डी पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली या सैनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में वोट न गण्य वे पीटीआई के समूरन सैनेटर्स लिखत में आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न कर की खातरी कराई है। आईनी तरमीमी तरमीम के मामले से जयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान मशरूत हिमायत जो इजहार कर छो जरिए मूजिब हुकूमत मौलाना फजल रहमान विच में मुशावरत थी जयूआई सरबराह पांजू तजवीजू हुकूमत हवाले कर तजवीजू शामिल कर सूरत में हुकूमत की हिमायत कई वी तजवीजू शामिल कर सूरत में हुकूमत मौलाना फजल रहमान के आगाह कंदी। हुकूमती कदम से मुल्की मईशत में बेहतरी अची रही है मुल्क में परदेही सीड़पकारी अची रही है 2018-2022 तक पाकिस्तान की मईशत ला बदतरीन दौर हो उन दौरान सीपैक के नुकसान पहुंचाया वो सीपैक सबब पाकिस्तान आलमी दुनिया के ध्यान जो मरकज बनो महंगाई की शरह सिंगल डिजिट ताई पहुंची वही है वफाकी वजीर एहसन इकबाल जो मीडिया से गाल वफाकी हुकूमत बिजली कंपनियों के निजकारी से एहतजाज का बचण लाए लाजमी सर्विस एक्ट लागू कर छो जरिए मूजिब वफाकी हुकूमत तरफा विरछकंदड़ कंपनियों NTDC सरकारी जेनकोस से लाजमी सर्विस एक्ट लागू किया वो सर्विस एक्ट जो मकसद निजकारी दौरान एहतजाज का बचण है एक्ट तहत मुलाजिम यूनियन कम मुदाखलत न कर सकती डिस्कोस NTDC जेनकोस में यूनियन की सरगर्मियों से पाबंदी लागू होंगी। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में आज जमहूरियत जो आलमी दिहाड़ो मल्हायो पे वे सदर आसिफ जरदारी पांजे पैगाम में चयो आए ते शहरन के बाग प्यार बनाण सियासी मलकियती वठाण में जमहूरियत जो अहम किरदार है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो जड़न अगवाणन मुल्क में जमहूरी अमल के बहाली और इस्तेहकाम लाए नुमाया खिदमतों सरंजाम दिन अवामी नुमाइंद के जरिए जमहूरियत की तहफ़ पॉलिसियों की जोड़ज कई मुल्क के अहम तरीन मसलन के हल में पार्लियामेंट जो अहम किरदार है। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह है पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलमबरदार है असा जमहूरियत की बका ला बेशुमार कुर्बानी दिन जमहूरियत ला असि क्यादत कारकुनन पांजे खून जो नजरानो पेश कयो जमहूरियत अड़ो शानदार निज़ाम है जिते मानू पांजी नुमाइंदन की चूंड पान कंदा
गवर्नर कामरान खान डिसूजा चवण है त जमहूरियत में ही जमहूरियत की फलाह यकीनी है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारो है, उनको एहतराम सभी से लाजमी है। पाकिस्तान में माजी की भेट में अज जमहूरियत मुस्तहकम मजबूत है। रानीपुर पुलिस की कौमी शाहरा से कार्रवाई, धमाकेदार माले से भर मजदा हासिल की, जवाबदार गिरफ्तार। गिरफ्तार जवाबदार में वसीम अख्तर रशीद अहमद शामिल। पुलिस मूजिब जवाबदार धमाकेदार मादो फैसलाबाद का बदीन मुंतकिल कर रहा हुआ। जवाबदार खिलाफ केस दाखिल किया वो है। कराची एयरपोर्ट से कई डी में मनकी पाक टों शक्की केस सामू अची वो। जरीन मूजिब दुबई का कराची निलजहाज की औरत मुसाफिर में मनकी पाक जो अलामतूँ जाहिर थी व्यू। उन अग सऊदी अरब में आयल बिन मुसाफिर में मनकी पाक जो अलामतूँ मिली हुई। समूरन शक्की मुसाफिर के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया वो। हाला में बाईपास से फौरन पारा स्पेयर पास के दुकान तां फुर्जी कोशिश। मुजामत दुकानदार वारिस जोगी जख्मी। फायरिंग की आवाज़ से दुकानदार मौके से ही पहुंची एक फोरू के सोगो कर वरतो। ब फोरू फरार। सोगो कल फोरू मार्कुट बाद पुलिस हवाले। जख्मी दुकानदार तिबी इमदाद बाद हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल। नए मुकर्रर एसएसपी घोटकी हफीज रहमान लाए चैलेंज। रामजी थाने की हद में 1217 डोहारी रिपोर्ट होने जो इंकशाफ। केतरन ही डोहार मथा इनाम रखल गिरफ्तार न थिया। रामजी थाने से पुलिस एहलकार नहीं आम मानू के कत्ल फुर पुलिस मुकाबले नहीं। धारण समेत मुख्तलिफ रंगीन दोहन में घुर्बल जवाबदार केतरन ही साल का रिपोर्ट बनल। एक्साइज एंड नारकोटिक्स टीम की चंडवाला यार में कार्रवाई। बिन जिलन में मंशियात जो कारोबार कंदड़ मंशियात फरोश गिरफ्तार। गिरफ्तार जवाबदार रहमान खानजादा के कब्जे में वे मकदार में चर्स बरामद। एक्साइज इंचार्ज मूजिब गिरफ्तार जवाबदार चंडवाला यार में मटियारी जिलन में मंशियात जो सरपरस्त हो।